हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गया हूँ, तो जा रहा हूँ बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इतना अंधेरा है सुबह जब मैं उठा हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पर, निकला हूँ। ये मेरे घर से हाईवे निकला है, आज सुबह यहीं मैं वर्कआउट करने आया हूँ और मॉर्निंग वॉक पर टहलने भी आया हूँ। देख सकते हैं आप, ये देखिए लोग यहाँ टहल भी रहे हैं। तो गाइस अभी मैं रेस करके आया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया यार, प्रैक्टिस सब मेरी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बहुत दिन पहले मैं रेस करता था। पूरा अंधेरा अंधेरा है, ये देखिए गाड़ियाँ भी जा रही हैं, और मुझे वर्कआउट करना है वो वहाँ उस पार रोड के करना है। तो मैं देखता हूँ, प्यार से निकलता हूँ इधर से। तो गाइस फ़िलहाल वर्कआउट हो चुका और मैं अब घर के लिए निकल रहा हूँ। तो गाइज़ मैं घर आ चुका हूँ और काफ़ी थक गया था, तो देखता हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी क्या कर रही हो? तो मम्मी देखिए काम पर सुबह से शुरू हो जाती हैं। रायता बन रहा है मेरे लिए। अरे मम्मी बहुत रहा है। किस तरह का? जिसमें? अच्छा ये रायता बना आज मेरे लिए। तो फिलहाल मम्मी अपने ही साड़ी में प्रेस करने में लगी हुई हैं। कर दूं क्या? मुझे आदेश मिला है कि कुकर की सीटी बंद कर दो, तो मैं जा रहा हूँ सीटी बंद करने। गैस भी? तो गैस भी बंद कर रहा हूँ, देखता हूँ। अरे दाल पक चुकी है और बाकी खाना बन रहा है। तो फिलहाल ये सारा सामान दुकान से ले आया हूँ। देखो फिर मम्मी इतना सामान मंगाती हो, देखो ये सब मम्मी का फेवरेट पार्ले जी। फिलहाल मैं नहा लूँ क्योंकि मुझको जाना है एक जगह काम से। दोपहर के 11 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी नहा कर आया हूँ। हाँ, और मम्मी भी आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ खाना खा लो, क्योंकि टाइम हो गया, ताज़ा ताज़ा बना है, तो गरम खाना खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो मैं मिलता हूँ, देखता हूँ क्या बना है खाना। तो गाइज़ आपके प्यार और सपोर्ट से मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अभी जस्ट मैंने देखा कि मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे प्यार बनाए रहिए मेरे साथ। तो खाना आ चुका है, आज बना है चना की दाल और लौकी की दाल, चावल और रोटी, सलाद और ये रायता। खाना ख़त्म करता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से। गाइस खाना तो हो चुका मेरा, और अब मैं देखता हूँ कहीं प्लान बनता हम लोगों को जाने के लिए, तो अभी कोई प्लान है नहीं आज का। A few moments later. तो मैं खाना खाने बाद सो गया था, अभी उठा हूँ, उसके बाद सोच रहा हूँ आपको आज अपने घर के पास, एक मंदिर है मेरे घर के पास, तो वहीं आपको ले चलता हूँ घुमाने। तैयार हो गया हूँ, बाहर निकला हूँ अब। अरे राम, धूप बहुत तेज है। आपको पीछे से इंजन की एक आवाज़ आ रही थी थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था, तो उसमें क्या है, पीछे एक नल का बोर हो रहा है, तो उसी के लिए इंजन चल रहा है, तो तभी है इंजन की आवाज़ आ रही। तो ये हमारी तैयार हैं चलने के लिए मंदिर, तो चलें। चलो ना, हम तो तैयार हैं। दोस्तों आपको जैसा दिख रहा होगा वो मंदिर है, मुझको यहीं जाना है। रास्ता इसका ये हाईवे, बगल से हाईवे जा रहा है, ये हाईवे है और ये रास्ता है, ऐसे जाकर वहाँ से होते होते वही मंदिर मुझको जाना है। और ये उसके बगल में तालाब है, इसमें अभी बारिश हुई है ना, तो कल के बारिश में पूरा तालाब भर गया, आगे शायद पानी भी है रास्ते में निकलने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ निकलने की। तो फिलहाल मैं मंदिर के लिए निकल रहा हूँ, इसका नाम है गौरैया देवी मंदिर। तो ये हम लोगों घर के पास का गौरैया देवी मंदिर है, अब इसमें मैं अंदर जाता हूँ। ये मंदिर है गौरैया देवी का, तो इसमें घंटा लगा हुआ है। जय माता दी।
सकते हैं पीछे गौरैया देवी मंदिर है, मैं यहाँ हो लिया हूँ। और अब बाकी इधर बगल में हनुमान जी हैं तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। आप देख लीजिए इतना घना जंगल है, जंगल के यहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे ना, ये फूल के हैं, ये व्यक्ति सो रहा है, ये देखिए इधर, मतलब मैदान भी बढ़िया है, यहाँ पास मेला भी लगता है, अभी 10 दिन पहले मेला लगा हुआ था। ये हम लोगों के यहाँ का प्राचीन मंदिर है, तो इस मैं जब से यहाँ रहता हूँ, बहुत छोटे से हम लोग आए थे यहाँ, तब से ये मंदिर है। अब तो नया बन गया है, बीच में अभी 2-3 साल पहले बारिश हुई थी तेज, तो मंदिर पूरा दब गया था। इसमें जो एक बाबा जी रहते हैं पुजारी, माता की मान्यता देखिए, वो बच गए, बाकी पूरा मंदिर दब गया था, उसमें धंस गया था। फिर कई लोग यहाँ के थे, उन्होंने चंदा देकर दोबारा मंदिर बनवाया है। आप लोगों को मैं अपने घर के पास का गौरैया देवी मंदिर दिखा दिया हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ आपको, एक मेरे पास एक ग्राउंड है वहाँ ले चल रहा हूँ, अगर रास्ता अच्छा हुआ, क्योंकि कल की बारिश में हो सकता है पानी भरा हो, कीचड़ हो, तो उसके लिए खेद रहेगा ना ले जा पाए तो। पहले तो मैं कोशिश करूँगा आपको ग्राउंड तक ले चलने की। यहाँ मछली पकड़ने वाले बहुत है, ये पूरा ग्राउंड था, अब सब खत्म हो चुका है, इधर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और ये ब्रह्मदेव बाबा, यहाँ पास एक कुआं होता था, वो भी गवर्नमेंट ने पुरवा दिया है। देखिए कल की बारिश में सब इतना भरा हुआ है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम सूखा सूखा पड़ा था, कल की बारिश में भर गया है। अभी ये सामने गाँव है, इसको राजपूत नगर बोलते हैं, यहीं से हम लोगों के यहाँ एक है, उसका नाम मुझे नहीं याद है कंफर्म, तो वही दूध लेकर आता है हम लोगों के यहाँ, देता है बढ़िया दूध देता है। तो गाइस हमारे साथ हो चुका है पोपट, क्योंकि जो मैं आपको ग्राउंड ले चल रहा था अपने घर के पास का, वहाँ रास्ता ख़राब था, मैंने बताया था ना कि हो सकता है रास्ता ख़राब हो क्योंकि बारिश हुई है, तो जिधर से रास्ता पहले था बाइक वाइक या तो कार जाने के लिए, तो उधर रास्ता बच्चों ने बताया कि ख़राब है, आप इधर से नहीं जा सकते, जाना है तो एक दूसरा रास्ता बताया जहाँ से पैदल जाना है। अब पैदल जाने के भी रास्ते आया हूँ तो वहाँ भी पानी भरा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है यही है पैदल जाने का रास्ता, अब ये तो इधर भी पानी भरा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं नहीं मिल रहा है जाने के लिए, कि आपको क्या दिखाऊँ, तो सोच रहा हूँ मेरी बाइक ही गंदी है, उसी को धुलवा लेता हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ अपनी बाइक धुलवाने, वहीं मिलता हूँ आपसे। बाइक धुल गई और मैं घर भी आ चुका हूँ। तो आज मुझे पता चला जी हिंदुओं में त्यौहार होता है ढेंडिया, तो आज ढेंडिया का त्यौहार है, और मम्मा बोल रही हैं कि जाकर कुछ खाओ मिठाई, तो देखता हूँ क्या है आज के दिन खाने में। ये क्या है, अरे गट्टा पट्टी और लाई, तो आज गट्टा पट्टी लाई और कुछ खाने में, तो मैं अभी खाता हूँ फिलहाल। तो लाई गट्टा खाने के बाद अब खाना खाने का बुलावा आ चुका है, तो देखता हूँ आज क्या बना है खाने में। खाने में पूड़ी, खीर है ना, खीर और आलू बैंगन की सब्जी। तो मैं खाना ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आप सबसे। फिलहाल खाना हो चुका है, बट एक प्रॉब्लम है, मेरे एक फ्रेंड है मिलन, उसने कॉल किया है कि मेरे घर के पास ही खड़ा है, उसके बाइक का तेल ख़त्म हो गया है, तो मुझसे बोल रहा है कि आजा थोड़ा तेल लेने जाना है पेट्रोल, तो मैं होकर आता हूँ, बाकी आपको ब्लॉग में बाद में बताता हूँ। क्या आ रहा है पेट्रोल चोर, यही है फ्रेंड, तुम्हारी बाइक का पेट्रोल कम हुआ था, मिल गया, अब जाओ खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी जाओ। थोड़ा फ्रेंड के साथ मस्ती हो गई थी, हम लोगों का ऐसा ही है, जब दोनों लोग मिलते हैं तो बहुत सारी मस्ती करते हैं, थोड़ी हो गई थी, फिर वो चला गया अपना, पेट्रोल दे दिया था, सॉरी पेट्रोल का, हाँ हेल्प कर दिया था, तो अपना चला गया वो, और मैं घर चला आया हूँ। और अब मुझको इस ब्लॉग को करना एडिट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।